I will speak in English and Hindi both, because you need English to write your answers in the examination, or Hindi मै मैं, मैं इसलिए समझाने की कोशिश करती हूँ, so that आपको topic अच्छे से समझ में आ जाए. This poem was published. इन सेवेन्टीन नाइन्टी एट इन दॉल्यूम ऑफ पोएम्स नेम्ड लिरिकल बैलेट्स लिरिकल बैलेट्स नाम के कविता संग्रह में सबसे पहले ये कविता प्रकाशित हुई थी सेवेंटीन नाइन्टी एट में And this volume of poetry was published by William Shakespeare, who is the poet of uh, this poem, who has written this poem in collaboration with S. T. Coleridge, another renowned romantic poet. S. T. Coleridge B. A. K Prasid Romantic Kavithe, William Wordsworth Kitara. और इन दोनों लोगों ने मिलकर ये uh, कविता संग्रह विच इज़ वेरी रिनाउंड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये बहुत प्रसिद्ध कविता संग्रह है और इसी कविता संग्रह से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है फ्रॉम द ईयर सेवेंटीन नाइन्टी एट विद द पब्लिकेशन ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ पोइट्री लिरिकल बैलेट्स सो दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन दिस वॉल्यूम ऑफ पोइट्री दिस पोएम इज़ वन ऑफ दी फाइव पोयम्स ऑफ लूसी सीरीज लूसी एक बच्ची एक काल्पनिक बच्ची है जिसकी कल्पना विलियम वस्वत ने की थी और पाँच कविताएँ उन्होंने लूसी नाम की इस Uh, एक फिक्शीशियस चाइल्ड हम कह सकते हैं उसको एड्रेस करते हुए लिखी थी तो शी दिस पोएम इज वन ऑफ द वन ऑफ दोज फाइव लूसी पोएम्स इस कविता में कुल सेवन स्टैंड हैं दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू सेवन स्टैंड आई विल डिस्कस ईच स्टैंज़र लाइन बाय लाइन हर स्टैंजा को मैं डिस्कस करूँगी और प्रत्येक स्टैंजा के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस कई बार uh, बच्चों को बोरिंग लगते हैं सो दैट दैट इज़ वाई आई विल मी मेक सेपरेट वीडियोज़ फॉर ईच स्टैंडा आप एक वीडियो एक बार में अच्छी तरह पढ़कर समझ सकते हैं एंड फॉर दी अनदर स्टैंडर यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड इट लेटर तो इस वीडियो में पोएम को शुरू करने से पहले इस पोएम की के बैकग्राउंड के बारे में और इसकी थीम के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताती हूँ जैसा कि इस पोएम का एक टाइटल द एजुकेशन ऑफ नेचर भी है इस कविता में विलियम वर्सफर्द ने एक काल्पनिक बच्ची जिसका नाम उन्होंने लूसी दिया है उसकी रचना की है और उसके माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि नेचर भी हम देखेंगे कि हमारे जो पोइट हैं वर्सफर्द वो कहते हैं कि नेचर हैज़ अडॉप्टेड दिस लिटिल चाइल्ड लूसी एज़ हर ओन प्रकृति स्वयं उस बच्ची को अपने बच्चे की तरह अडॉप्ट करना चाहती है गोद लेना चाहती है और उसकी अपब्रिंगिंग वो अपने तरीके से करना चाहती है थ्रू द मेथड ऑफ नेचर इट्स और वो क्या तरीका होगा वो हम आगे के स्टैंड में और अभी स्टैंडा में भी देखेंगे तो हियर वन ऑफ द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय वर्सफर्थ इज

जर्मन फिलोसोफर रूसो एक जर्मन फिलोसोफर हुए हैं जीन जैक्स रूसो आई एम श्योर आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा आर ओ यू डबल एस ई जीन जैक्स रूसो पॉलिटिकल साइंस में भी आप इनको पढ़ते हैं और ये जर्मन जर्मन फिलोसोफर थे और उनके कुछ सिद्धांत विलियम वर्सवर्थ के साथ हम कह सकते हैं दे आर क्वाइट आइडेंटिकल वो काफ़ी उनमें साम्यता है उनमें काफ़ी uh, हम कह सकते हैं कि वो uh, एक जैसे विचार हैं तो उनके uh, एक सेमी मिस्टिकल फेथ जो था दे शेयर विद ईच अदर एंड व्हाट इज सेमी मिस्टिकल फेथ दे हैड बिलीव इन द गुडनेस ऑफ नेचर प्रकृति की अच्छाई में उनका विश्वास था और एज इन देंस ऑफ द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड एक बच्चे की जो मासूमियत है वही उसका सर्वश्रेष्ठ गुण है ऐसा आ, जो जीन जैक्स रूसो हैं और विलियम वर्सफर्थ इन दोनों का ही मानना था और उन दोनों के ही विचार जो हैं एजुकेशन आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल देर थॉट्स आर क्वाइट आइडेंटिकल एजुकेशन ऑफ नेचर पर जो अभी हम इस कविता में आगे डिस्कस करेंगे विलियम वॉजफर्थ के जो विचार हैं दे बेयर डीप इन्फ्लुएंस ऑफ द जर्मन फिलोसोफर जीन जैक्स रूसो विलियम वॉजर्थ स्वयं भी ही इन हिज चार चाइल्ड हुड ही हिमसेल्फ लिव्ड इन दी ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स ऑफ नेचर इन द प्लेस कॉल्ड कैम्बरियन डेल्स कैम्बरियन डेल्स नाम के स्थान पर उन्होंने अपना बचपन का अर्ली चाइल्ड हुड एंड वी कैन से बॉयहुड स्पेंड किया था सो ही वॉज मच he himself enjoyed the company of nature and he himself believed that through nature we can learn so many things if we observe nature and natural objects keenly there is so many uh, objects of nature that can provide education to us प्रकृति के सानिध्य में अगर हम प्रकृति के साथ रहते हैं और प्रकृति की जो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है तो इस कविता में विलियम वर्सवर्थ ने कुछ ऐसा ही मैसेज दिया है कि आ, यदि नेचर इस पोएम में हम आगे देखेंगे कि नेचर खुद ही ये कह रही है कि एक छोटी सी बच्ची जो मैं बता चुकी हूँ एक काल्पनिक बच्ची है जिसका नाम विलियम वर्सवर्थ ने लूसी रखा है और आ, आ, नेचर सेज प्रकृति स्वयं ये कहती है दैट आई माई सेल्फ विल अडोप्ट दिस लिटिल चाइल्ड मैं खुद इसको अपने बच्चे की तरह स्वीकार करती हूँ एंड आई विल ब्रिंग हर अप मैं ही इसका लालन पालन करूँगी और फिर मैं उसको क्या क्या सिखाऊँगी ये हम आगे अभी आगे देखेंगे आगे के स्टैंडजाज में देखेंगे तो थ्रू दीज लाइन्स एज द प्रो पोएम विल प्रोग्रेस वी विल सी दैट देर आर एक्चुअली लॉर्ड्स ऑफ थिंग्स दैट इफ़ वी लेट दम कम इन टू आर कैरेक्टर अगर हम उन चीज़ों को आत्मसात करने का प्रयास करें और उन्हें अपने अंदर आने दें वी विल बी एबल टू फॉर्म अ नोबल कैरेक्टर हम एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर पाएंगे सो लेटस नाउ बिगिन द पोएम आई विल रीड आउट द फर्स्ट स्टैंडर दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो It is like this three years she grew in sun and shower, then nature said a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take. She shall be mine and I will make a lady of my own. To in lines me hain.

She grew in sun and shower. She यहाँ आया है बच्चों लूसी के लिए जो एक इमेजिनेटिव एक काल्पनिक बच्चे का जो क्रिएशन किया है विलियम वॉर्सवर्थ ने तो एंड द स्पीकर इज नेचर इट प्रकृति स्वयं ही ये विचार व्यक्त कर रही है जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रकृति के स्वयं के विचार हैं और एंड एंड नेचर इट्स सेल्फ इज सेयर्स लूसी ग्रू शी ग्रू अप फॉर थ्री ईयर्स तीन वर्ष की ये बच्ची हो चुकी है और कहाँ वो बड़ी पली बड़ी है इन सन एंड शावर इन सन इन ब्रॉड डे लाइट मीन्स इन ओपन प्लेसेस सनशाइन में वो बड़ी हुई है एंड शावर एंड ओपन प्लेसेस हैं वहाँ पर सन भी है और शावर शावर मींस रेन देर इज़ रेन आल्सो मींस दिस लिटिल चाइल्ड इज लिविंग इन द कंपनी ऑफ इन द सराउंडिंग्स ऑफ नेचर इट्स तो ये बच्ची सूर्य की रोशनी में भी खेली है और बारिश का आनंद लेते हुए भी बड़ी हुई है नाउ शी हैज़ टर्न थ्री ईयर्स तीन वर्ष की ये बच्ची हो चुकी है नेक्स्ट देखते हैं देन नेचर सेड उसके बाद नेचर खुद ये बात कह रही है नेचर इट्स सेल्फ इज एक्सप्रेसिंग इट्स डिज़ायर प्रकृति अपनी ही एक इच्छा का व, आ, आ, को एक्सप्रेस कर रही है अभिव्यक्त कर रही है और क्या कह रही है अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन अ लवलियर फ्लावर नेचर इज़ कंपेयरिंग लूसी टू अ फ्लावर एक पुष्प के साथ एक फूल के साथ इस लूसी बच्ची की तुलना नेचर कर रही है प्रकृति कर रही है अब देखिए जो बच्चे हैं उनको दे आर इनोसेंट एंड इट इज सेट दैट अ चाइल्ड इज दी अ चाइल्ड इज़ एनदर फॉर्म ऑफ गॉड ईश्वर का ही रूप होते हैं बिकॉज दे आर फ्लॉलेस बच्चे जो हैं उनके अंदर कोई कमी नहीं होती कोई गलती कोई बुराई नहीं होती दे आर प्योर एंड इनोसेंट सो हियर वी सी दैट नेचर इट सेल्फ इज़ कंपेरिंग दिस लिटिल चाइल्ड ऑफ थ्री ईयर्स कॉल लूसी टू अ फ्लावर और पुष्प भी जो फ्लावर भी हैं हम जानते हैं कि प्रकृति का बेस्ट क्रिएशन होते हैं जो सबसे सुंदर प्रकृति का हम एक आउटपुट कह सकते हैं वो फ्लावर होते हैं क्योंकि प्रकृति की सुंदरता तो हर जगह बहुत खूबसूरत ही होती है बट एक प्लांट का जो प्रोडक्शन होता है वो वी कैन से इट कम्स आउट इन दी फॉर्म ऑफ अ फ्लावर तो फ्लावर खुद ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है एंड हियर नेचर इज कंपेयरिंग दिस लिटिल चाइल्ड लूसी टू अ फ्लावर तो पुष्प के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं और क्या कह रही हैं अ लवलियर लवली का कंपेरिटिव डिग्री है लवलियर लवली मीन्स प्यारा जो बहुत सुंदर बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं तो वो कह रहे हैं कि लवलियर इससे प्यारा फूल ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन इस पृथ्वी पर इससे सुंदर पुष्प यानी इससे प्यारा बच्चा वॉज नेवर सोन अब सोन जो है इसका मतलब है बॉन्ड यहाँ पर आप समझ सकते हैं वैसे सोन का मतलब है यहाँ उगना यानी पुष्प नहीं उगा यानी पुष्प नहीं उत्पन्न हुआ तो यहाँ मतलब है मोर चार्मिंग चाइल्ड ऑन अर्थ was नेवर born इससे सुंदर बच्चा इस उसका जन्म ही नहीं हुआ इस पृथ्वी पर एंड नेचर इज सो प्लीज टू सी दिस इनोसेंट ब्यूटिफुल चाइल्ड और जो ब्यूटिफुल वर्ड आ रहा है या उसका इम्प्रेशन आ रहा है इसका मतलब दिस चाइल्ड इज़ नॉट ओनली फिजिकली ब्यूटिफुल ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली सुंदर है इसलिए उसको ब्यूटिफुल कहा जा रहा है द एटरीब्यूट द इनोसेंस द प्योरिटी दैट दिस चाइल्ड हैज़ इट गिवस हर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्यूटी क्योंकि जो वास्तविक सुंदरता होती है वो मन की सुंदरता होती है तो नेचर यहाँ पर ये कहती है दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक मैं खुद आई विल टेक टेक का यहाँ मतलब है अडोप्ट आई वॉन्ट टू टेक दिस चाइल्ड एज माई ओन चाइल्ड मैं खुद इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह अडोप्ट uh, करना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू टेक दिस चाइल्ड शी शेल बी माइन ये मेरी होगी माइन मेरी शी मीन्स ल्यूसी और माइंड यहाँ आया है नेचर के लिए द नेचर सेज दैट शी वॉन्ट्स दैट दिस लिटिल गर्ल लूसी शुड बी शी वॉन्ट्स हर टू बी हर चाइल्ड एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन एंड आई भी यहाँ नेचर के लिए ही है तो नेचर सेज़ दैट आई वॉन्ट टू मेक हर एज अ लेडी ऑफ माई चॉइस मैं चाहती हूँ कि किस तरह नाउ शी इज़ अ लिटिल गर्ल एंड वैन शी ग्रो आप शी विल बी अ लेडी तो अभी वो एक छोटी बच्ची है शी इज़ कैरिंग द एट्रीब्यूट ऑफ प्योरिटी एन एन ओ सेंस उसके अंदर एक मासूमियत और मासूमियत की खूबसूरती है बट शी नेचर सेज़ कि वो कुछ ऐसी और एट्रीब्यूट्स और कुछ और ऐसी क्वालिटीज हैं जो द नेचर वांट्स टू एड ऑन दोज एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज टू द कैरेक्टर ऑफ लूसी सो दैट शी बिकम्स अ लेडी ऑफ हर ओन हर मीन्स माई जो ओन आया है ये नेचर के लिए है तो नेचर चाहती है कि लूसी शुड ग्रो अप इन हर मोस्ट ब्यूटिफुल और इन हर बेस्ट फॉर्म उसका जो सर्वश्रेष्ठ विकास जो है वो होना चाहिए और नेचर हर सेल्फ वॉन्ट्स टू ब्रिंग हर अप ब्रिंग लूसी अप उसका लालन पालन वो स्वयं करना चाहती है तो आई होप बच्चों आपको ये स्टैंडा समझ आ क्या होगा यर वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू मैंशन वर्सफर्थ जो है ही स्पेंड गुड पीरियड इन फ्रांस फ्रांस में वो उन्होंने एक अच्छा समय बिताया था एंड फ्रांस इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री एंड हिज स्टे इन फ्रांस चेंज्ड हिज एटीट्यूड टू नेचर सब्सटेंशली तीन वर्ष तक करीब वो वहाँ रहे थे और उसका उनकी प्रकृति के प्रेम पर uh, काफ़ी uh, हम कह सकते हैं उनका प्रकृति प्रेम विकसित हुआ था सो यू कैन मेंशन दिस पॉइंट आल्सो इन योर एक्सप्लेनेशंस सो दिस इज स्टैंजा नंबर वन नेक्स्ट स्टैंजा नंबर टू वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच